बीजापुर जिला के अंतर्गत करेम थाना के अंतर्गत हमारे एसटीएफ के जवान ड्यूटी से वापस जा रहे थे और एक आईडी ब्लास्ट हुआ जिसमें एसटीएफ के दो आरक्षक शहीद हो गए और चार घायल हो गए। तो आज जो रायपुर निवासी एसटीएफ के जवान भरतलाल साहू थे उनको यहां पर श्रद्धांजलि देने हम लोग आए थे। हमारे साथ हमारे उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी भी हैं, श्री केदार कश्यप जी मंत्री हैं, श्री टंकराम वर्मा जी मंत्री हैं और एक नारायणपुर जिले के थे सतेर सिंह जो शहीद हुए और चार घायल हुए हैं। कल दिल्ली से वापसी के बाद हम लोग सीधे एयरपोर्ट से रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल गए थे। हमारे दोनों डिप्टी सीएम भी थे विजय शर्मा और श्री अरुण साव जी और उनसे मिले हैं। खतरे से बाहर हैं हमारे आरक्षक, उन्हें किसी तरह का खतरा नहीं है और इनके शहादत को नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भगवान से प्रार्थना है कि उनके शोक संतप्त परिवार को इस गहन शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें। सर, क्या ये बौखलाहट है जिस तरह से लगातार कार्रवाई की जा रही है? हाँ, ये बौखलाहट है। इस तरह से 6-7 महीने में जब से हम लोग सरकार में आए हैं मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और ये धीरे धीरे सिकुड़ते जा रहे हैं और बौखलाहट में कायराना हरकत कर रहे हैं। बीजापुर जिला के अंतर्गत करेम थाना के अंतर्गत हमारे एसटीएफ के जवान ड्यूटी से वापस जा रहे थे और एक आईडी ब्लास्ट हुआ जिसमें एसटीएफ के दो आरक्षक शहीद हो गए और चार घायल हो गए। तो आज जो रायपुर निवासी एसटीएफ के जवान भरतलाल साहू थे उनको यहां पर श्रद्धांजलि देने हम लोग आए थे। हमारे साथ हमारे उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी भी हैं, श्री केदार कश्यप जी मंत्री हैं, श्री टंकराम वर्मा जी मंत्री हैं और एक नारायणपुर जिले के थे सतेर सिंह जो शहीद हुए और चार घायल हुए हैं। कल दिल्ली से वापसी के बाद हम लोग सीधे एयरपोर्ट से
रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल गए थे, हमारे दोनों डिप्टी सीएम भी थे विजय शर्मा और श्री अरुण साव जी, और उनसे मिले हैं। खतरे से बाहर हैं हमारे आरक्षक, उन्हें किसी तरह का खतरा नहीं है, और इनके शहादत को नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भगवान से प्रार्थना है कि उनके शोक संतप्त परिवार को इस गहन शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें। सर, क्या ये बौखलाहट है जिस तरह से लगातार कार्रवाई की जा रही है? हाँ, ये बौखलाहट है। इस तरह से 6-7 महीने में जब से हम लोग सरकार में आए हैं, मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये धीरे धीरे सिकुड़ते जा रहे हैं और बौखलाहट में कायराना हरकत कर रहे हैं।